वेलकम बैक गाइस, हाइपर ब्लॉग से फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिकेत आज मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया बाइक का रिव्यू लेके। तो चलिए देखते हैं कौन सा बाइक का रिव्यू मैं आज करने वाला हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ और क्या क्या फीचर्स हम लोगों को प्रोवाइड किया कंपनी ने सब कुछ बताएंगे। उसके साथ इसका जो करेंट प्राइस चल रहा है वो भी बताएंगे। और आप व्यूअर्स में से कोई अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही बाइकिंग के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। और मेरे पास एक प्लेलिस्ट भी है जो आप लोगों को थोड़ा हेल्प करेगा अगर आप लोग कोई नया बाइक परचेज़ करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हाइपर व्लॉग्स, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग देख रहे हो मेरे सामने है रॉयल एनफील्ड का मीटियर 350, जो कि रेड कलर ऑप्शन के साथ हम लोगों को मिलता है। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरा बहुत नज़दीकी दोस्त आकाश को, जिसका ये बाइक है, जिसने अप्रॉक्स 20 डेज पहले इस बाइक को परचेस किया था। तो चलिए देखते हैं रॉयल एनफील्ड ने क्या क्या पैकेज हम लोग को प्रोवाइड करा और प्राइस रेंज सब कुछ बताएँगे, इसके साथ फीचर्स और ये बाइक आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं सब कुछ बताएंगे वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर वेरिएंट की बात करें तो टोटल 3 वेरिएंट पे हमें बाइक मिलता है, और हर एक वेरिएंट में इसका कलर भी अलग मिलता है एंड प्राइस भी अलग मिलता है वेरिएंट के हिसाब से। जो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है फायर बॉल वेरिएंट, इसके अलावा भी स्टेलर वेरिएंट मिल जाएगा, और टॉप एंड में हमें मिलता है सुपरनोवा वेरिएंट, और सब वेरिएंट में अलग अलग कलर ऑप्शंस एंड वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस भी अलग होता है। और जब मेरे दोस्त ने इस बाइक को परचेस किया था तब उसको ये बाइक अप्रॉक्स 2,32,000 के आसपास में ये बाइक मिल गया था, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो चुका है। तो अभी हम लोगों को ये मिलता है एक शोरूम में 2,05,844 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस, एंड ऑन रोड में हमें ये बाइक मिल जाएगा 2,38,854 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस। अगर रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वारीज हो तो आप लोग विजिट कर सकते हो राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर, डिस्क्रिप्शन में मैं इन लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग विजिट कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई नया रॉयल एनफील्ड का बाइक चाहिए तो। और देख सकते हो आप लोग मैं आ चुका हूँ इसका फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट का जो हेडलाइट हम लोगों को मिलता है वो रेट्रो डिज़ाइन में राउंड शेप में हम लोगों को मिलता है। रॉयल एनफील्ड का जितना भी बाइक देख लीजिए सब में हम लोगों को राउंड शेप में हेडलाइट मिलता है, और हेडलैम्प का चारों तरफ आप लोग देख सकते हो हम लोग को यहाँ पर क्रोम फिनिश भी मिल जाएगा। और हेडलैम्प हम लोगों को मिलता है हैलोजन के साथ हेडलैम्प, और इसके साथ टर्न इंडिकेटर्स भी हम लोगों को मिलता है राउंड शेप में, जो कि हैलोजन के साथ प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने हम लोगों को। और रियर व्यू मिरर्स हम लोगों को मिलता है ब्लैक कलर के साथ, वाइडर रियर व्यू मिरर्स, और लिपर्स आप लोग देख सकते हो वो भी मिलता है हम लोगों को ब्लैक कलर के साथ। और फ्रंट मडगार्ड हम लोगों को मिलता है ब्लैक कलर के साथ। और मडगार्ड का क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और ये जो मेटल नहीं सॉरी ये हम लोगों को फ्रंट मडगार्ड मिलता है प्लास्टिक बिल्ट, और प्लास्टिक का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक प्रोवाइड करते हैं रॉयल एनफील्ड। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा मेटल का फ्रंट नंबर प्लेट हैंगर, और फ्रंट का जो सस्पेंशन हम लोगों को मिलता है वो मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 41mm ट्रैवल के साथ। और सस्पेंशन आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बल्कि सस्पेंशन हम लोगों को प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने। सस्पेंशन के दोनों तरफ हम लोगों को मिलता है रिफ्लेक्टर्स, और फ्रंट ब्रेक आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्क हम लोगों को प्रोवाइड करता है रॉयल एनफील्ड। फ्रंट ब्रेक हम लोगों को मिलता है लार्जर 300mm डिस्क, इसके साथ मिल जाएगा बाइब्री का ट्विन पिस्टन कैलिपर, और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है ABS का रिंग। ये जो बाइक है वो हम लोगों को डुअल चैनल ABS के साथ आता है। और फ्रंट में हम लोगों को मिलता है 100x90x R19 का C8 का ट्यूबलेस टायर्स, और फ्रंट का जो एलॉय है देख रहे हो आप लोग एलॉय का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डिज़ाइन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। और जो ये जो एलॉय आप लोग देख रहे हो वो इनबिल्ट आता है, अलग से हम लोग को इंस्टॉल नहीं करना होगा। और अभी चलते हैं इसके इंजन की ओर। इंजन में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों को यहाँ पर मेटल का एक काउल मिल जाएगा, जो कि राइडिंग के वक्त धूल मिट्टी या पत्थर से इंजन को इंपैक्ट होने से थोड़ा प्रोटेक्ट कर देगा। यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं सिंगल हॉर्न, हॉर्न का साउंड भी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। और आप लोग देख सकते हो इस बाइक में हम लोगों को यहाँ पर
क्रैश गार्ड इनबिल्ट मिलता है। ये जो क्रैश गार्ड है वो हम लोग को अलग से इंस्टॉल करना होता है, अलग से परचेज करना होता है, ये एसेसरीज की तरह आता है। और इंजन देख सकते हो आप लोग, इंजन मिलता है हम लोग को ब्लैक कलर में, और यहाँ पर हम लोग को रॉयल इनफील्ड का ब्रांडिंग भी मिल जाएगा। और जो हेडर आप लोग देख रहे हो वहाँ पर ब्लैक के ऊपर सिल्वर का फिनिश मिल रहा है। और इंजन हम लोग को मिल जाएगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर प्लस ऑयल कूलेट BS6 कंप्लेंट FI इंजन। और पावर हम लोगों को मिलता है 20.2 BHP एट 6100 RPM। इसके साथ हम लोगों को मिल जाएगा 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो कि जनरेट होता है 4000 RPM पर। और आप लोग देख सकते हो जो इंजन हम लोग को प्रोवाइड किया है, एक टॉर्की इंजन हम लोग को प्रोवाइड किया है रॉयल इनफील्ड ने। हर एक गियर पर जो टॉर्क है ना इसका, वो हम लोग को मैसेज हो जाएगा जब हम लोग इसको राइड करेंगे। और इसके साथ इस बाइक में हम लोगों को मिल जाएगा 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस बाइक में हमें कोई किक स्टार्ट नहीं मिलता, हम लोगों को मिल जाएगा स्टैंडर्ड सेल्फ स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है मीटियोर का ब्रांडिंग, इसके साथ 350 का ब्रांडिंग मिल जाएगा। और राइडर फुटरेस्ट हम लोग देख सकते हो, हम लोग को यहाँ पर मेटल के ऊपर रबर का कोटिंग मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग भी मिलता है। और जो ब्रेक लीवर है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर रबर का कोटिंग मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर छोटा सा गार्ड प्रोवाइड किया है ताकि राइडिंग करते वक्त राइडर का जो पैर है वो एग्जॉस्ट पे टच ना हो जाए। और एग्जॉस्ट हम लोगों को मिलता है फुल ब्लैक कलर के साथ एग्जॉस्ट मिल जाएगा। और एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन हम लोगों को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो एग्जॉस्ट का जो काउल है वो टोटली मेटेलिक काउल हम लोगों को प्रोवाइड किया है। और इसके साथ एग्जॉस्ट का एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग एक नट बोल्ट मिलता है। यहाँ से हम लोग एग्जॉस्ट को सेपरेट कर पाएंगे, फ्रंट एंड रियर का दोनों अलग कर पाएंगे। आप लोग कोई अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से जो पीछे वाला जो मफलर है उसको यहाँ से खोल के हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर भी हम लोग को एक नट बोल्ट दिया है, मतलब तीन पार्ट में हम लोग को ये मिलता है एग्जॉस्ट। तो चलिए अभी इसका एग्जॉस्ट नोट को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा एग्जॉस्ट नोट हम लोग को मिलता है। और आप लोग सुन सकते हो बेसिक एग्जॉस्ट नोट हम लोग को रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है। और एग्जॉस्ट नोट भी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप लोग चाहो तो इस पर कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। यहाँ पर तीनों पार्ट में एग्जॉस्ट हम लोग को प्रोवाइड किया रॉयल एनफील्ड ने। और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कैथोलिटिक कन्वर्टर। और रियर स्विंगम हम लोग को मिल जाएगा बॉक्स कट स्विंगम। इसके साथ रियर ब्रेक आप लोग देख सकते हो, जो डिक्स रॉयल एनफील्ड हम लोग को प्रोवाइड किया है, एक लार्जर डिक्स हम लोग को मिलता है। हम लोग को मिल जाएगा 270mm डिक्स विद वाइब्रिक का सिंगल पिस्टन कैलिपर। इसके साथ हम लोग को यहाँ पर भी ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS इस बाइक के साथ स्टैंडर्ड। और आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हो, आप हम लोग को यहाँ पर क्रोम फिनिश मिल जाएगा। और रियर सस्पेंशन हम लोग को मिलता है ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर विथ 6-स्टेप एडजस्टेबल। हम लोग इसको 6 स्टेप में एडजस्ट कर पाएंगे अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से। और रियर टायर हम लोगों को मिलता है 140x70x R17 का C8 का ट्यूबलेस टायर्स। और रियर का जो एलर डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो वो फ्रंट वाला ही मिलता है, एक यूनिक डिज़ाइन हम लोगों को प्रोवाइड किया है। और इसके साथ जो एलो है, एलो के एजेस पे हम लोग को यहाँ पर रेड स्टिकरिंग मिल जाएगा जो बाइक का लुक्स और भी इन्हेंस करता है, एक प्रीमियम लुक्स हम लोग को प्रोवाइड करता है। और अभी आ चुके हम लोग इस बाइक की टेल सेक्शन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हो यहाँ पर हम लोग को एक पिलियन बैकरेस्ट मिलता है। और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग। और ये जो बैकरेस्ट मिलता है ये हम लोगों को अलग से इंस्टॉल करना होता है, ये बाइक के साथ नहीं आता है, ये अलग से एसेसरीज की तरह आता है। और रियर लाइट आप लोग देख सकते हो, टेल लैम्प हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर सेम रेट्रो डिज़ाइन में राउंड शेप में। और यहाँ पर एजेस में हम लोग को क्रोम फिनिश मिल जाएगा। और रियर टर्न इंडिकेटर्स भी हम लोग को मिलता है राउंड शेप में जो कि हैलोजन के साथ आता है। और मडगार्ड आप लोग देख सकते हो, एक मेटलिक मडगार्ड हम लोग को प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने। और ये जो मडगार्ड है वो ट्विन पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे वाला जो पोर्शन है हम लोग को ये मिल जाएगा प्लास्टिक बिल्ड। और यहाँ पर हम लोग को मिलता है नंबर प्लेट लाइट, इसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा नंबर प्लेट हैंगर, रियर नंबर प्लेट हैंगर। इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मिलता है रिफ्लेक्टर्स जो नाइट राइड में एक सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा हम लोगों को। और लेफ्ट में हमें मिल जाएगा इनबिल्ट शाड़ी गार्ड विथ लेडीज़ फुटरेस्ट। और शाड़ी गार्ड का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, एक मेटेलिक शाड़ी गार्ड हम लोग को प्रोवाइड किया है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने हम लोगों को। और चेन सेट आप लोग देख सकते हो, हम लोगों को मिल जाएगा ओपन ड्राइव चेन सेट, मतलब एवरी 500 और 700 किलोमीटर्स के बीच हमें अपना चेन सेट वॉश एंड लुब्रिकेट करना होगा।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा पिलियन फुटरेस्ट, और फुटरेस्ट का जो रबर है रबर के ऊपर हम लोग को यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग मिल जाएगा। मतलब प्रीमियम नेस का रॉयल एनफील्ड ने अच्छा खासा ध्यान रख के बनाया है इस बाइक को। और साइड एजेस का जो पैनल्स हम लोग को मिलता है ये भी हम लोग को मिल जाएगा मेटेलिक पैनल। यहाँ पर मीटियोर 350 का ब्रांडिंग मिल जाएगा जो कि सिल्वर एंड रेड फिनिश के साथ आता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर जो चेन का जो कवर मिलता है वो हम लोग को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड। और इसके साथ इस बाइक में हमें मिल जाएगा साइड स्टैंड, एंड साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी मिलता है। इसके साथ हम लोग को स्टैंडर्ड मिल जाएगा सेंटर स्टैंड, और इंजन देख सकते हैं हम लोग को मिलता है फुल्ली ब्लैक कलर के साथ इंजन। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी हम लोग को रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग मिल जाएगा। हर जगह किसी ना किसी छोटी सी जगह पर भी हम लोग को रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग मिलता है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो छोटा सा एक स्ट्रैप यूज़ किया है रॉयल एनफील्ड ने, यहाँ पर भी हम लोग को रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग मिलता है। यहाँ पर भी हम लोग को रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग मिल जाएगा। और जो टैंक देख सकते हो आप लोग यहाँ पर हम लोग को रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के साथ रॉयल ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। और टैंक का कलर हम लोग को मिल जाएगा रेड कलर के साथ। और टैंक देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइडर टैंक हम लोग को मिल जाएगा। और टैंक का जो फ्यूल कैप है वो हम लोग को मिलता है क्रोम फिनिश के साथ। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो हम लोग को मिलता है 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक, और इसके साथ मिल जाएगा 3 लीटर्स का इसका रिजर्व फ्यूल। और ग्राउंड क्लियरेंस हम लोगों को मिलता है 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब ऑफ रोडिंग अगर करते हो कोई ये बाइक लेके तो हम लोगों को कोई नीचे से कोई चीज़ लगने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। और सीट हाइट हम लोगों को मिलता है 765 mm सीट हाइट। और सीट देख सकते हो आप लोग बहुत ही ज़्यादा वाइडर सीट हम लोगों को प्रोवाइड किया है। और जो राइडर सीट हम लोगों को मिलता है आप लोग देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा कर्व हम लोगों को मिलता है, और सीट कुशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और रियर सीट भी हम लोगों को मिलता है सॉफ्टर सीट, और सीट आप लोग देख सकते हो स्प्लिट सीट हम लोगों को प्रोवाइड किया है। और इसके ऊपर कोई हम लोगों को सीट कवर नहीं आता है, अगर आप लोग चाहो तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। और अभी चलते इसके हैंडल बार की ओर, आप लोग देख सकते हो हैंडल बार हम लोगों को मिलता है वाइडर अपराइट पोजिशन में हैंडल बार। और रियर भी मिरर्स हम आप लोग देख सकते हो वाइडर रियर भी मिरर्स हम लोगों को मिलता है। और क्लच लीवर्स भी हम लोग को मिल जाएगा ब्लैक कलर के साथ, यहाँ पर कोई एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स नहीं आता है। और स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो स्विचेस की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा हाई बीम लो बीम एम पास सिंगल स्विच में सब मिल जाएगा इनबिल्ड। यहाँ पर हमें मिलता है इन्फो का स्विच, इसके मदद से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ पर मिलता है इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पर मिलता है हॉर्न का स्विच, हॉर्न को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। और राइट साइड में हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा इनबिल्ड किल स्विच एंड सेल्फ का बटन, एक ही स्विच में हमें तीनों फंक्शन मिल जाएगा। इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मिलता है इनबिल्ड हैजर्ड का ऑप्शन जो बहुत ही बढ़िया फीचर्स रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड किया है। और जो हैंडल बार है जो ग्रिप आप लोग देख सकते हो, ग्रिप का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्रिप हम लोग को प्रोवाइड किया है। इसके साथ हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा मेटल का बार एंड। और की देख सकते हो हम लोगों को मिलता है वेब की, और की का डिज़ाइन देख सकते हो नॉर्मल जो रॉयल एनफील्ड का जो डिज़ाइन है की का उसी डिज़ाइन में हम लोगों को मिलता है। तो चलिए अभी चलते इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हम लोगों को प्रोवाइड किया है। और आप लोग देख सकते हो हम लोगों को मिलता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो हम लोगों को मिल जाएगा एनालॉग के साथ। यहाँ पर किलोमीटर्स पर आवर एंड माइल्स पर आवर दोनों का ऑप्शन हम लोग को प्रोवाइड किया रॉयल एनफील्ड ने। और यहाँ पर जो डिजिटल वाला सेक्शन है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा फ्यूल गेज, यहाँ पर मिलता है क्लॉक ओडो गियर पोजीशन इंडिकेटर, इसके साथ सर्विस रिमाइंडर भी दिखाएगा। और इसके साथ इस बाइक में हमें टोटल 2 ट्रिप मीटर्स मिलता है। और इन्फो का जो बटन है उससे हम लोग ट्रिप मीटर को एनालाइज कर पाएंगे। अभी आ चुके ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडो। और इसके साथ जो नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ सिंबल्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग को मिलता है इंडिकेटर्स का सिंबल, यहाँ पर मिल जाएगा लो ऑयल लो बैटरी। सेंटर में हम लोगों को मिलता है न्यूट्रल का सिंबल, एबीएस का सिंबल, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा इंजन मालफंक्शन का सिंबल। इसके साथ हाई बीम लो बीम का सिंबल भी मिल जाएगा। और राइट साइड में हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्लॉक, इसके साथ यहाँ पर हेलमेट का रिमाइंडर भी दिखाता है, प्लस अपना जो मैप मतलब गूगल मैप का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर दिखाएगा मैप। अगर आप लोग मोबाइल को बाइक के साथ कनेक्ट करते हो ऐप के थ्रू तो यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी दिखाएगा हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग को मिलता है रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आप लोग देख सकते हो इसका जो चारों तरफ हम लोगों को मिलता है क्रोम फिनिश। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो वो भी रेट्रो डिज़ाइन में हम लोग को प्रोवाइड किया है रॉयल एनफील्ड ने।
और क्लच हम लोगों को मिलता है नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच। इसके साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों को यहाँ पर 12 वाट का मोबाइल यूज़ भी चार्जर भी मिलता है। और फीचर्स में तो रॉयल एनफील्ड डेफिनेटली आज के टाइम पे भी बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे आपका हैजार्ड का ऑप्शन दे देता है, कुछ छोटा छोटा जो फीचर्स हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी प्रोवाइड करता है रॉयल एनफील्ड। और इसके साथ अगर कर्व वेट की बात करें तो हम लोग को मिलता है 191 kg इसका कर्व वेट। और सीट हाइट ज़्यादा हायर साइड पे नहीं मिलता, हम लोग को मिलता है 765 mm सीट हाइट। इसके मदद से कोई अगर शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को चलाना चाहता है तो बहुत इजीली चला सकता है। मेरा खुद का हाइट 5.6 feet मेरा हाइट है और मैं बहुत इजीली मेरा जो दोनों साइड का जो पैर है वो जमीन पर टच हो जाता है। तो अगर आप लोगों का हाइट भी 5 feet या 5 feet के आसपास है तो आप लोग डेफिनेटली इस बाइक को बहुत इजीली राइड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को। और अभी आते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की तरफ। रॉयल एनफील्ड का बाइक है तो आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा रॉयल एनफील्ड कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेटल का पार्ट्स प्रोवाइड करने की। इस बाइक में मैक्सिमम पार्ट्स जो हम लोग को मिलता है वो मेटल का ही मिलता है, सिर्फ जो यहाँ पर रियर का जो मडगार्ड हम लोग को मिलता है या का जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो हम लोग को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड एंड इसका फ्रंट मडगार्ड हम लोग को मिलता है प्लास्टिक बिल्ड। बाकी जितना भी पार्ट्स हम लोग को प्रोवाइड किया गया है सब मेटल का पार्ट्स हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो डेफिनेटली क्वालिटी में तो बहुत ही अच्छा और फिट एंड फिनिश आप लोग देख सकते हो, कलरिंग का कोई इशू नज़र नहीं आएगा। और कलर आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वालिटी का कलर हम लोग को प्रोवाइड किया रॉयल एनफील्ड ने। और जो लोगो आप लोग देख सकते हो एक यूनिक लोगो हम लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। उम्मीद करते हो कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और बहुत ही जल्दी मैं इस बाइक का एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी अपलोड करने वाला हूँ मेरे इस चैनल पर, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हाइपर व्लॉग्स एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे बाइकिंग के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।